Subscribe. आपके अपने चैनल जैन पाकशाला पाठशाला सरला के साथ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, आज मैं आपके साथ एक ऐसी अनोखी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि आपने शायद ही कभी देखी हो और कभी सुनी हो। ये है भगवद गीता। जी हाँ, वही भगवद गीता जो सबकी आराध्य है, जो हर घर में मिलती है, जो कि हमको जीवन का जीने का तरीका सिखाती है, जीवन के मायने बताती है, वही भगवद गीता। लेकिन भगवद गीता भी हर घर में मिलती है ना, लेकिन ऐसी भगवद गीता आपने कभी भी नहीं देखी हुई। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, ये है हमारी भगवद गीता। ये देखिए इस गीता की खासियत, आपको लग रहा होगा ना सामान्य पुस्तक है, पर ये देखिए इसकी एजेस, ये देखिए गोल्डन एजेस हैं। इसमें क्या होता है पता है, सामान्य किताबें खराब हो जाती हैं, दीमक लग जाती है, नमी लगती है, लेकिन इस गोल्डन एज की वजह से इसमें बिल्कुल नमी नहीं लगती, ना इसको दीमक लगती है, ना ये कभी ख़राब होती है, एक बात। और दूसरी बात पता है क्या है, ये देखिए पूरी मैग्नेटिक इंक से ये प्रिंट की हुई है। आप सोचेंगे इससे क्या होता है, ये देखिए ये जो इसका डिवाइस है, ये है ना, ये स्पीच जादू का काम करता है। आपको लगेगा ना कि सामान्य पुस्तक है, सामान्य वक्त अक्षर है। देखिए मैं आपको बताती हूँ इसकी, ये देखिए इसमें से आवाज आई, ये देखिए शुरू हुआ ना। अब हम देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए मैं इसको करती हूँ, मैंने ये देखिए देखिए इसके साथ ये मैंने इसको टच किया और इसकी ये श्लोक इसने बोल दिया। अब आगे देखिए मैं बताती हूँ, ये सारे चित्र हैं, ये सारे अध्याय गीता के 18 अध्याय ही सारे इसमें हैं। और इन अध्यायों के साथ हम जिस पे हम क्लिक करेंगे, जिसको हम ये डिवाइस टच करेंगे, वो शुरू हो जाएगा। देखिए मैं आपको और बताती हूँ, ये सारा, ये देखिए यहाँ से चैप्टर फर्स्ट प्रथम अध्याय गीता का, ये आरतियाँ हैं, चार इसमें आरतियाँ हैं। देखिए मैं पहली आरती को टच करूँगी, देखिए आपको कितनी सुंदर आरती सुनाई देगी, है ना सुंदर आरती। और देखिए हम दूसरी आरती शुरू करते हैं, ये देखिए मैंने इसको टच किया, ये है ना कितनी अच्छी आरती। बस इस तरह आप जो चाहें वो आप सुन सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ, ये मैंने शंख को टच किया, देखिए डिवाइस जो लिखा होता है, जो कुछ इसमें फोटोज हैं, उस सबको रीड करती है और वो खुद पढ़ के हमको बताती है। जैसे मैंने शंख को छुआ तो शंख ध्वनि हमें सुनाई दी, इसी तरह हम जिस चित्र को बोलेंगे, ये देखिए ये प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, जब धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि संजय उन्हें महाभारत का आंखों देखा हाल सुनाए, इसको टच करके देखते हैं, देखो डिवाइस बोलेगी, ये गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, देखिए ये डिवाइस कैसे रीड करती है हमारे छूने पर। ये देखिए पेज नंबर ये यहाँ बोला, पेज 11, ये पेज 10, इस तरह हमारी डिवाइस
पेज भी बताएगी, जिससे ये श्लोक नंबर 15 देखी बोलेगी। पांचजन्यम् ऋषिकेशो। और एक विशेषता मैं बतलाती हूँ आपको कि ये किताब हिंदी में भी बोलेगी, इंग्लिश में भी बोलेगी और संस्कृत में भी, ये तीन भाषाओं में बोलती है। अभी हमने सुना, ये हमने संस्कृत में इसके श्लोक सुने थे और हिंदी में सुना था। अब ये देखिए, हम इसे यहाँ टच करेंगे ना तो ये इंग्लिश में बोलेगी। ओ संजया, व्हाट डिड माय सन्स एंड पांडू'स सन्स डू। इस तरह ये किताब बहुत उपयोगी है, छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, जवान वृद्ध, हर एक के लिए ये बहुत ही उपयोगी और प्रेरणास्पद है। और ये हर घर में हो तो इसलिए आप इसे ज़रूर लीजिए और इसे देखिए। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क करिए। अब तक मैंने आपको इस पुस्तक के बारे में बताया, लेकिन अब मैं आपको इस डिवाइस के बारे में बतलाने वाली हूँ। यह डिवाइस बहुत ही अनोखी है, बहुत ही शानदार है। इस डिवाइस की ये खासियत है कि इसको एक बार जो आपको सुनना है, जो आरती सुननी है, जो अध्याय सुनना है गीता का, उसको लगाकर आप डिवाइस को स्टैंड पे खड़ा कर दीजिए। फिर आप घर में आराम से अपने काम करते रहिए और इसे सुनते रहिए। और घर में आपको पाठ करना है, करवाना है, तो आप उसको बड़े स्पीकर के साथ भी अटैच कर सकते हैं और पंडित जी की भी ज़रूरत नहीं, और आपका आराम से बड़े प्यार से गीता का पाठ भी हो जाएगा। इस तरह आप किसी भी तरह इसका उपयोग कर सकते हैं। ये पुस्तक लाजवाब है, बिल्कुल अनोखी और बहुत ही अच्छी है।